राजस्थान में एससी एसटी आरक्षण को लेकर के जो ये मुद्दा चल रहा है क्रिमिलेयर को लेकर के, इसको लेकर के आज बंद का माहौल अलग अलग जगह से अलग अलग तरह का देखने को मिला। बात करें जयपुर की तो जयपुर में शांतिपूर्वक रहा, प्रदर्शन किया गया। लेकिन वहीं जोधपुर की बात करें तो जोधपुर के अंदर आज एक ठेले को हटा दिया गया, उसके साथ में तोड़फोड़ भी की गई और वहीं उसके ऊपर गर्म तेल भी डाल दिया गया। आखिरकार क्या ये मामला था, कैसे वो जलता हुआ नजर आया, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। अनुसूचित जाति के आरक्षण में क्रिमिलेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में आज राजस्थान बंद है। इस कारण भरतपुर संभाग के चार जिलों यानी भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर और डी कुम्हेर में नैटबंदी की गई। जयपुर समेत 16 जिलों में स्कूल कॉलेजों में छुट्टी है। 3 यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी कैंसिल की गई। तो वहीं जोधपुर के सोमेसर गांव बंद कराने के लिए प्रदर्शनकारियों ने गर्म तेल की कढ़ाई उलट दी, इस कारण हलवाई के दोनों पैर जल गए। वहीं जोधपुर शहर में रैली निकालने के दौरान बंद समर्थक ट्रैफिक पुलिस की पोस्ट पर चढ़ गए। वहीं बंद का असर जयपुर में भी रहा। राजधानी में सिटी बसों का संचालन नहीं हुआ। अलवर, भीलवाड़ा में रोडवेज बसें बंद रहीं। पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, टोंक सहित कई जिलों में रैलियां निकाली गई और सैकड़ों की संख्या में लोग भी इसमें शामिल हुए।